बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि नू हिंसा पर हरियाणा सरकार ने फिर से शुरू किया पीला पंजा। पुलिस प्रशासन की 3 टुकड़ी मौके पर तैनात है। कल 250 अवैध रूप से बने घरों को बनाया गया था निशाना और अभी तक नू हिंसा मामले में 102 FIR दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा बता दें कि 202 लोगों को हिरासत में फिलहाल लिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि 202 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही कि नू हिंसा पर हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से पीला पंजा चला दिया है। तो बुलडोजर चला गया है अवैध कब्जों पर। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जेसीबी की मदद से इन सभी आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया है। हरियाणा सरकार की ये बड़ी कार्रवाई, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और पीला पंजा चला दिया गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से इस पूरे आशियानों को बंद ध्वस्त कर दिया गया है। नू हिंसा पर हरियाणा सरकार का यह एक्शन है, जहां पर आपको बता दें कि मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, भारी फोर्स तैनात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूरज दोहन जुड़ गया। सूरज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक बड़ा एक्शन जो है हरियाणा सरकार की तरफ से यहां पर देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? अब तक कितने आशियानों को ध्वस्त किया गया है? एक्शन मूड में नजर आ रही है। नू मेवात में जो हिंसा हुई थी वहां पर प्रशासन बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। जहां पर पत्थरबाजी की गई थी, एक-एक जगह को वहां चिन्हित करके प्रशासन ने वहां पर बुलडोजर से उसको ढाना शुरू कर दिया गया है। कल है जो है उनकी जो कार्रवाई शुरू हुई, बात की जाए करीब 200 से 250 के बीच में जो आशियाने उसे बनाए गए थे, जहां पर जो छतों पे चढ़कर जो निशाना बनाया हुआ, जो पत्थरबाजी की गई थी, जहां पर पथराव किया गया था, उन जगह को चिन्हित करके प्रशासन ने उनको ढाना शुरू कर दिया गया है। और वो सारा कल दोपहर के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी, आज सुबह से ही 7 बजे से ही एक लिस्ट बनाकर जहां जहां पत्थरबाजी की गई थी उन जगह को चिन्हित करके उसको वहां पर पीला पंजा लेकर प्रशासन पहुंच चुका है। प्रशासन की 3 टुकड़ियां वहां पर लगाई गई हैं। हालांकि आसपास के जो एरिया में वहां पर एसआईटी की जो टीम है चिन्हित करके एक एक छानबीन वहां पर जांच कर रही है। अभी तक दीपाली 102 FIR दर्ज हो चुकी है, करीब 202 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी और भी जो छानबीन हो चल रही है, जांच चल रही है, पूरी कमेटी बैठाई गई है, प्रशासन अलर्ट मोड में है। हालांकि जितना हालात को देखते हुए जो नू मेवात के जो SP थे उसका तबादला किया गया था, कल शाम को ही नए DC का तबादला करके नए उपायुक्त वहां पर ड्यूटी तैनात कर ली गई है। हालांकि अब जो एक्शन मोड में हरियाणा सरकार नजर आई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, एक एक चिन्हित करके उस जगह को ढाया जा रहा है, पीला पंजा चला जा रहा है। हालांकि पूरी कार्रवाई हरियाणा सरकार करती हुई नजर आ रही है। दीपाली जी, सूरज आपसे जानना चाहेंगे, इस लिस्ट में आपने बताया कि एक एक जगह को चयनित कर दिया गया है और काफी जगहों को आशियानों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है, तो अभी कितने और जगह है जिन्हें चयनित किया गया है और आशियानों को ध्वस्त किया जाना है? टोटल कितने जगह है इस लिस्ट में? देखिए, अगर जगह की बात की जाए करीब 400 से ऊपर यहाँ पर जगह बताई गई है, जिसमें कुछ जगह जो सोना के सटे हुए जो एरिया है अम्बेडकर चौक की है, जहां पर आगजनी की गई थी, सर्कुलेटर जलाया गया था, वहां पर दुकान लूटी गई थी और जो रेहड़ी में जो वहां पर दंगवियों आए थे उन्होंने आग लगाई थी। ये एरिया जो तागड़ू का जो एरिया है, बिलासपुर के सटा हुआ एरिया, ये अभी बाकी है। यानी टीम लगी हुई है अभी तो जहां पर नन्नड़ में जहाँ पथराव शुरू हुआ था, मंदिर के सामने की जो जगह थी, जो पहाड़ों में जो उन्होंने अवैध रूप से आशियाने बनाए गए थे, अरावली की पहाड़ी पर अपनी झुकी वहां डाली हुई थी, उसको तहस कहर करने में प्रशासन लगा हुआ है। और नू में आते हुए जितने भी अप्रोच रोड हैं और जहां पर गाड़ियों पथराव हुआ था, कौन कौन सी दुकानें लूटी गई थी, कौन कौन सी छतों पर जो पत्थरबाजी की गई थी, वह पत्थरबाज चढ़े हुए थे, पूरी जगह को वापस चयनित करके प्रशासन वहां पर उसको ढाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह यह अभियान शुरू हुआ है 7 बजे और पूरा दिन यह अभियान चलेगा। यानी जब तक एक एक जगह को वहां पर प्रशासन अपनी नजरों से निकाल नहीं लेगा, तो हरियाणा सरकार लगातार एक्शन में नजर आएगी। दीपाली जी, सूरज क्या जानकारी मिल रही कि कब तक इन सभी अवैध आशियानों को ध्वस्त किया जा सकता है?
देखिए फिलहाल जो 31 तारीख की यह घटना थी, जहां पर पूरा जो आसपास के एरिया, पूरा जो देश है हिल गया था, क्योंकि जिस तरह हिंसा हुई है उसको देखते हुए भाईचारे कायम करने की लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। लेकिन हर गांव को यहां पर जिस तरह देखा जाए, टीम गई हुई है पूरे गांव में, यहां पर धड़के से जो पत्थरबाज है उनको गिरफ्तार कर रही है, उसकी पूरी छानबीन कर रही है, तलाशी ली जा रही है, जांच चल रही है। तीन गांव जो गांव है, सिंगार की बात लगाई, आसपास के एरिया की बात की जाए, हर गांव में टुकड़ी डाल दी गई है और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर हर घर की तलाशी वहां पर लेती नजर आ रही है कि कोई अवैध हथियार आखिर आए कहां थे, और जो हथियार आए थे किसके पास हथियार था, किसने गोली चलाई, एक एक चीज को जो भी फुटेज में आ रहा था उसकी पूरी वहां पर पहचान करके उसको धड़े से पकड़ती हुई प्रशासन नजर आ रहा है। दीपाली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज दुहान इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर जानकारी दी, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से न्यू हिंसा पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है और जितने भी अवैध आशियाने बनाए गए हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है और कई गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है।